सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने देखा है कल जो भोपाल में और बाकी एमपी के अन्य शहरों में जो घटनाएं घटी, जिस तरह से एक तरह से देखिए नौकरी मांगने गए थे, किसी के पास भीख नहीं मांग रहे थे युवा कि आप भीख दे दीजिए या आपको वोट दे दीजिए भीख की तरह, अपने हक की लड़ाई लड़ने के गए हुए थे। तो आज मुझे उन जिस तरह से लाठी बरसाई गई उन पर आपने सभी ने देखा है, मुझे 19वीं और 20वीं सदी की याद आती है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे थे, तब आपने देखा है कि इन्हें आतंकवादी कहा जाता था, इन्हें देशद्रोही कहा जाता था, इन्हें भी रोकने की कोशिश की जाती थी, हर संभव कोशिश की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन नहीं रोक पाए। लास्ट तक वो अपने लड़ते रहे और आज भी हम लोग इतिहास में उन्हें याद रखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मामा कहते हैं कि हमारे भांजे भांजिया, आप देखिए इस तस्वीर को मामा, ये तुम्हारा, मुझे लगता है कि ये असली रूप है मामा का, कि मतलब भांजिया भांजे डंडे खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और आप घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। वैसे अभी तो दबा दिया गया है और जो भोपाल की स्थिति देख के जो भी चुप बैठे हुए हैं, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का समूह हो, वो बेवकूफ है। ठीक है, इस बात को आज नहीं मानोगे, 100 से 150 साल मरने के बाद तुम्हारे इतिहास में तुम्हें कहा जाएगा बेवकूफ। नहीं, जितना गाली पड़ सकती है उससे ज्यादा गालियां पड़ेंगी। अपने बच्चों को उस जगह रख के देखिए, कभी आप लोग उनकी जगह अपने बच्चों को रख के देखिए, फिर सोचिए कि तुम्हारी क्या स्थिति होती। मीडिया तो इतनी बेशरम हो चुकी है, एक तरह से आप कहिए कि जितनी गिर सकती है उससे बुरी हालत में पहुंच चुकी है। आपने नहीं देखा होगा ज्यादातर मीडिया ने इसे कवर नहीं किया है, और कवर किया है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, नौकरी की मांग नहीं की उन्होंने कभी भी, आप समझ रहे हैं। अभी अगर किसी किसी के बेटे की, अगर नेता के किसी बेटे की अगर तबीयत खराब हो जाती है या क्या बोलें, कुछ भी हो जाता है, तुरंत मीडिया सामने आ जाता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, तब कितना प्रचार किया जा रहा था, तब कितना हर चैनल पर आप देख रहे थे इस तरह की न्यूज को। तो एक तरह से आप कहिए कि एमपी सरकार से या किसी भी सरकार से, मतलब रोजगार मांगना पाप हो गया है। युवाओं पर, शिक्षक जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां चार्ज की जा रही है, यही शिक्षक दिवस है। देखिए गिफ्ट मिला हुआ है हम सभी लोगों को शिक्षक दिवस का, वीर भगत सिंह को याद कीजिए। ठीक है, और एक जनता है मामा, किसी का घमंड नहीं चला है। इंदिरा गांधी बहुत फूली फिरती थी, कांग्रेस एक समय बहुत फूली थी कि मेरे सामने कुछ नहीं है, आज 2 कौड़ी की औकात दिला दी है। आप लोगों पर भरोसा था इसलिए जनता ने आपको चुना। मुझे तो सबसे बुरा वो लगता है कि आज कहाँ मर गए वो सरकार के नमूने, जो युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस भर्ती में, एक तरह से वो अपनी मांग करने आए हुए थे। इसमें भी आप कह दीजिए कि वो देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, कह दीजिए, आपको कहने से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी आत्मा जिंदा है या मर चुकी है। 35 लाख के करीब ट्वीट किए गए, उस पर कोई ध्यान नहीं गया, मीडिया का किसी का नहीं। एक विनोद शब्द आया आपने देखा है कुछ समय पहले वायरल हुआ, उस पर इतनी मीडिया गरमा गई। और सबसे पहले तो हम लोग खुद बेवकूफ हैं, मीडिया मतलब उन चीजों को देखते हैं जो मिर्च मसाला के साथ लगाई जाती है। रिया 10 बजे घर से निकली हुई है, मतलब एक क्या न्यूज है। अब बधाई हो, अब एक और विकास पैदा हो गया है, कंगना रनौत न्यूज में आ चुकी है, वो 2-4 दिन के लिए टीआरपी इसी से उनकी बढ़ जाएगी। एक समय आपने सुना होगा प्रधानमंत्री साहब कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार जीत कर आती है तो हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आप लोगों ने सुना होगा काफी, 15 लाख का छोड़िए, 1 करोड़ नौकरियों को देखिए। प्रधानमंत्री साहब ने मोर को देखा, सबने, पूरी दुनिया ने देखा है मोर को, लेकिन जो लाठी पड़ी हुई है मध्य प्रदेश में युवाओं पर, वो किसी ने नहीं देखा। किस तरह से मामा को भी तो कम से कम शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए कांग्रेस भुगत रही है, उसने जो किया उसका भुगतान करना पड़ रहा है उसे,
और नौकरी मांगने आपने देखा है किस तरह से इन पर लाठियां बरसाई गई हैं। मुरैना में भी इस तरह की खबर आई हुई है, आपके ग्वालियर में भी इस तरह की खबर आई हुई है, इंदौर इंदौर में भी इस तरह की खबर आई हुई है। अरे मामा जी, वो अपने हक मांग रहे हैं, तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। समझ में आया किस तरह से, मतलब आप सोचिए। कुछ किसी भी मंत्री विधायक आपने जिसे भी चुना है, आपका नेतृत्व करने के लिए चुना है, आपका लोकल विधायक जो भी हो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया स्टूडेंटों का, कोई सामने नहीं आया खुल के। जिसे आप वोट दे रहे हैं उसे भी नहीं आया, उन्हें या तो पद दे दिया जाता है, वो खुश हो जाते हैं, जनता बाहर में जाए। एक समय आपको शायद याद होगा कि लाला लाज बहादुर शास्त्री, लाला लाज बहादुर, बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल, उस समय आप एक सुनते थे कि उसने किसने कहा था ये, कि ये जो कील ठोकी हुई ताबूत की कील साबित हो गई। तो वही हाल है कि युवाओं के ऊपर जो पुलिस की लाठी का प्रहार हुआ है ना, ये मामा जी एक ताबूत की कील साबित हो गई, यानी कि तुम्हें उठा देंगे। और ऊपर भी तो जवाब देना है आपको कि ऊपर भी भूल गए। भगवान से डरिए कम से कम, भगवान बैठा हुआ है। एसएससी का देख लीजिए, चलिए एसएससी का, उसमें 35 लाख का एक रिजल्ट मिला है, 35 लाख ट्वीट का, कि एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ ये अलग बात है कि 10 से 15 दिन 20 दिन बाद आएगा, लेकिन कम से कम उसमें थोड़ा आशा दे दी है। लेकिन इसमें एमपी वालों को देखिए कुछ नहीं दे, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ पर डंडे बरसा दिए गए हैं, पूरी तरह से एक तरह से कुचलने की पूरी कोशिश की हुई है। वही अंग्रेजों के समय की बात की जा रही है, क्या यही लोकतंत्र है? अब सबसे बड़ी तो बात वो मुझे समझ में नहीं आती, वो कहाँ है जो कहते थे मैं भी चौकीदार हूं। ये कोई चोर नहीं है ना चौकीदार है, ये देश के बेरोजगार है। 3 साल से एमपी पीएससी का आप लोग देख रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए, कभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको अगर सरकार गिरानी है तो उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, आपको सरकार बनानी है उसके लिए, आपको रैली करनी है नहीं उसकी भी नहीं, आपको कोई विमान खरीदना है उसकी भी आपको जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, आपको जन्मदिन मनाना है अपना उसकी भी कोई परमिशन नहीं लेनी है। आप या तो कोर्ट में, अब देखिए ऐसा फैसला लेते हैं, मतलब आप सोचिए केवल एमपी के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, अब एक कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाएगा तारीख पर तारीख चलती रहेगी, कोर्ट की स्थिति आप जानते हैं, समझ रहे? तो एमपीपीएससी का यही तो देखा गया है आरक्षण को लेकर, तो एक तरह से इन्होंने फंसा दिया। अब युवा मरे या कुछ भी करे, कभी आप लोग न्यूज पेपर उठाकर देखिए सुबह से शाम तक एक ही खबर मिलती रहती है कि किसी ने फंदा लगा के जान दे दी, किसी ने सुसाइड ट्रेन के सामने आकर जान दे दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस को वही वोट दे रहे हैं, मतलब जो मतलब एक तरह से विरोध, क्या करे, ऑप्शन भी तो नहीं है जनता के पास। दिल्ली जैसा ऑप्शन होता एमपी में भी, तो अभी तक आपने देखा है दिल्ली ने क्या धोया, गृह मंत्री साहब खुद वोट लेने के लिए गली गली भटक रहे थे, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए उसके सामने। लेकिन हम बेवकूफ हैं हम लोग, कि हम लोग उन्हें चुनते हैं जो बलात्कारी हैं, जो मर्डर किए हुए हैं, जो एक डकैत हैं, उन लोगों को हम संसद में या विधानसभा में भेजते हैं, और हम भेजेंगे तो उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? बलात्कार की उम्मीद करिए, और इससे ज्यादा आप तरक्की की मत उम्मीद करिए। मतलब शर्म आनी चाहिए उन्हें, सबसे पहले तो किसी, आप क्या कि ये चुल्लू भर पानी में डूबकर उन लोगों को मर जाना चाहिए जो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, कि मतलब पूरा देश का युवा मतलब त्राही त्राही मान रहा है, एक तरह से त्रासदी की तरह झेल रहा है, और आप लगे हुए हैं। अब तो मुझे लगता है कि भगवान से दुआ करिए कि कोई अच्छा सा नेता आए देश में, क्योंकि बहुत उम्मीद थी हम लोग भी, आपको नहीं लगता होगा शायद, प्रधानमंत्री साहब को हम लोग, आप देखिए पूरा गुजरात उन्होंने जिस तरह से मॉडल बनाया हुआ था,
उसके बाद 2014 में जिस तरह से उन्होंने बात की उस पर भरोसा किया, और आज आप लोग, आप सभी लोग, मुझे लगता है कि जो नेता है जो पार्टियों से जुड़े हुए वो 2014 के बाद से फॉलो कर रहे होंगे, और अभी मन की बात उनके लिए एक टाइम पास होगी, लेकिन हम लोगों के लिए मन की बात एक तरह से हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, हर पहलू पर जाकर देखते हैं, समझ रहे हैं। तो आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बहुत अच्छे काम है, बहुत खुश है, लेकिन इस परिस्थिति में 2020 में पूरी तरह से भरोसा उठता जा रहा है। जब रोजगार की बात करनी चाहिए थी, जब शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए थी, जब कुत्तों पर बात की जा रही है, चाइनीज बैन करने से, कोई आप सोचिए अगर चाइना के ऐप बैन करने से आप लोगों को लगता है कि आप जीत गए, तो ये गलत फहमी हमारी। हम वहां भी एक तरह से आप सोचिए कि पीछे हटने की कगार में, कि चाइनीज एक तरह से आप कहिए कि ठीक है आपका पड़ोसी है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, ये मान लीजिए आपकी, ये ठीक है, ये लाइन है, देखिए ये है आपका खेत यहाँ और ये पड़ोसी का खेत है, पड़ोसी क्या करता है कि 2 किलोमीटर बढ़ जाता है, मतलब मान लीजिए ठीक है, उसके बाद आप विरोध करने लगते हैं तो वो 1 किलोमीटर पीछे हट जाता है, तो आप समझिए कि 1 किलोमीटर उसके कब्जे में जमीन आ चुकी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह चाइना में देखा जा रहा है, जो आपने देखा है कि जो नेपाल आज देख लीजिए आप लोग, जिसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो भी मुंह खोलने लगा है, ठीक है चल के ये अलग बात है छोड़ दीजिए, कम से कम 2 करोड़ की बात की थी, उसमें भी आप देख रहे हैं कि पेपर हो रहे हैं कई कई जगह, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो कोर्ट में चले जा रहे हैं, ठीक है करते रहिए ट्वीट, आप पर आज भी कहा है कि ट्वीट करना है तो करते रहिए ट्वीट, और बस भगवान से दुआ करिए। और मैं यही कहूंगा कि अब अपने बच्चों को जब भी जन्म देना, जब भी आप अपने बच्चे करना, उन्हें शिक्षा जरूर देना सच की, कि हकीकत क्या है और गलत क्या है, वरना अंधवक्त इसी तरह पैदा हो जाएगी। 70 साल से कांग्रेस को जिताते आ रहे हैं, अब 6 साल से 7 साल से इसे देख लिया आप लोगों ने, तो यही देखने को मिलेगा। बेवकूफों एक समझ में आ जानी चाहिए कि अगर चीन की हमें बराबरी करनी है, जापान की बराबरी करनी है, अमेरिका की बराबरी करनी है, तो उस जैसी सोच रखनी होगी। कहा जा रहा है कि GDP के मामले में चाइना नंबर 1 पर पहुंच जाएगा 1-2 साल में, समझ रहे हैं आप लोग, तो आप खुद सोचिए कैसे पहुंच जाएगा। अभी आप देखिए कि चाइना लगभग हर देश में अपनी पेट पेट बना चुका है, तो महाशक्ति बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लाठी चलवा देने से कुछ नहीं होता है, मन की बात करने से कुछ नहीं होता है। किसी ने सही कहा है, मैं अभी ट्वीट पर देख रहा था, कोई बच्चे, कई बच्चे कह रहे थे कि अब की बार मुझे शादीशुदा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं कहता हूं देखिए, शादीशुदा हो या ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो थे, वो भी तो शादी नहीं किए थे। आदमी को कम से कम खुद से लगता है, कुछ शर्म आती है, लेकिन नेताओं में, नेता बनने के बाद, आज के नेताओं की बात कर रहा हूं, उनमें खत्म हो जाती है सर। एक समय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, बायोग्राफी भी कवर की हुई है, देखते हैं उनके बारे में कि वो, उनके पास कार नहीं थी बच्चों को घुमाने के लिए, उसके बाद जिद करते हैं उनके बच्चे और एक कार ली जाती है, उसका ऋण वो अपने जिंदा रहते हुए नहीं चुका पाते, मरने के बाद सरकार उनके ऋण को माफ कर देती। आज के विधायक को छोड़िए, आप लोग अपने सरपंच को ले लीजिए, 5 साल में एक फॉर्चूनर खड़ी कर लेता है आराम से। कोई अभी बता रहा था, वो कहीं सुन रहा था कि हमारे हमारे गांव ने इतना विकास किया हुआ है, हमारे सरपंच साहब ने इतना विकास किया हुआ है कि एक 4-व्हीलर ले ली, 2 डंपर ले लिए, 1 GCB ले ली, एक इतना, मतलब उसने गिना, एक बोले कि शहर में एक बोले VIP बंगला बनवा लिया। अब इससे ज्यादा बोले विकास क्या चाहिए मुझे हमारे सरपंच साहब, और गांव की हालत देखिए आप लोग, 1947 से बुरी स्थिति है। उन बेवकूफों से कल परसों मैंने, कल भी बात की थी शायद, उस पर मैंने देखा है 5-6 लोगों ने मतलब कमेंट किए हुए हैं, जो मतलब एक तरह से हटके कमेंट किए हुए हैं कि युवा या क्या कर रहे हैं, वहां CAA का विरोध नहीं करने गए हुए, वहां किसी नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं आपके, ये अपने हक की, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, समझ में आए। ठीक है आज के आपके लिए अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, या आप किसी भी पार्टी के नेता हो, तो आज के आपके लिए गलत है, लेकिन आज से कुछ सालों बाद
इतिहास में साल तुम लोगों को गद्दार कहा जाएगा कि युवा जब रोजगार की मांग कर रहे थे तो उस पर लाठी चार्ज हो रहा था, लाठी बरसाई जा रही थी। इस तरह से देश तरक्की कभी नहीं करता है। और लॉकडाउन ने आपकी औकात दिखा दी है कि आप कितने संभलते थे और कितने आपके पास व्यवस्थाएं थी, तो ये देखा गया है। काफी हद तक आपको संभल जाना चाहिए और कम से कम तुम जो कहते हो उसे तो कर लेना चाहिए। किसी भी तस्वीर को देखिए आप, सुबह से शाम न्यूज, अगर किसी न्यूज चैनल को देखिए, एक केस ले लेंगे, दिन भर उसी पर चलाते रहेंगे। और हम बेवकूफ हम समय कि उसी को देखते रहेंगे, चाहे हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, नौकरी नहीं है उनके पास। किसी भी को आप देखिए, बड़ी मतलब भयानक तस्वीर देखिए, देखने को मिल रही है। इस तस्वीर को आप लोग देखिए, अंदर तक झकझोर देती है। अभी आप देखिए हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो ठीक है, ट्वीट करते रहिए और फेसबुक पर भी आप लोग शेयर करते रहिए। क्या ट्वीट करना है उसे मैं नीचे दे देता हूँ और कॉपी करके आप लोग लगे लगिए। और भगवान से दुआ करिए कि अच्छा कोई भगवान कुछ करे, क्योंकि नेताओं पर तो भरोसा है नहीं है, उनसे तो भरोसा हट चुका है। तो अब दुआ करिए ऊपर वाले से कि कुछ आपको दे भगवान। ठीक है, किसी भी SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ इसे शेयर करिए जरूर। ठीक है, जो हम दे देता हूँ उसे भी आप लोग टैग कर सकते हैं, और जो हैशटैग डालना है वो भी दे देता हूँ नीचे। ठीक है, ऊपर वाले से सुबह शाम दुआ करिए, जिस भी धर्म के हैं आप, कि भगवान को संभाले। चले थे देश को विकास करने और देश चल रहा है किस दिशा में। हम अमेरिका की बराबरी करते हैं, हम मतलब बेवकूफ़ हैं कि मतलब जमीन आसमान की बराबरी करने जा रहे हैं। शिक्षा देनी होगी, स्वास्थ्य देना होगा, रोजगार देना होगा, तब जाके हम किसी देश की तरक्की को रोक सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम या कोई भी सिख, ईसाई, कोई धर्म खतरे में नहीं है। और भारत भी इतना कमजोर नहीं है कि किसी के भयकावे में खत्म हो जाएगा। हाँ, इतना है कि अगर इस तरह के नेताओं की बात मानते रहे तो भारत की जो आत्मा है उसे जरूर खत्म हो जाएगी, वो जो हमारी असली पहचान है वो जरूर खत्म हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जब आत्मा मर जाए तो इंसान के जीने का कोई फर्क नहीं रहता है, फिर वो इंसानियत ना रहे, मानवता ना रहे, उसकी आत्मा कुछ गलत भी कर रहा है तो आत्मा ना झकझोरी अंदर से। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ता है आपके जिंदा रहने मरने से। 130-135 करोड़ की जनसंख्या करीब होने जा रही है आपकी, एक दिन मरेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जिंदा बने रहें, कौन याद रखता है। तो आप लोग वही सोचिए, वही उस समय चले जाइए अंग्रेजों के समय, और आप अपना विरोध करते रहिए। हो सकता है कि आज आपको गद्दार कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, लेकिन इतिहास में जरूर आपको याद रखा जाएगा। आज वैसे आपके नेता जो भी हैं, कांग्रेस हो या BJP, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये किसी के नहीं है, इन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि जनता बेवकूफों की तरह वोट दे देती है। अभी लॉकडाउन के टाइम आपने देखा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत रही है, गरीबों के लिए बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। और खुद अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो आप BIP हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपके सामने LCD लगी हुई है। बिहार की स्थिति देख सकते हैं आप लोग, बिहार कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में, या फिर आप लोग स्थिति देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। मीडिया इतनी शर्म नहीं, मीडिया की शर्म बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जितनी बुरी तरह से गिर सकती थी, इतिहास में आप लोग याद रखिए, अगर देश को बर्बाद किया है, देश को किसी ने खत्म किया है, मीडिया, कुछ चंद गद्दार नेताओं ने, कुछ चंद आपके ये अंधभक्तों ने, और इतिहास इन्हीं को गाली देगा। क्योंकि आज आप देखते हैं इंदिरा गांधी ने क्या नहीं किया, इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ अच्छे काम किए थे। 1971 का युद्ध ले लीजिए आप लोग चाहे, और आप चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण ले लीजिए, बांग्लादेश को आजाद करवाने की बात ले लीजिए, लेकिन 1975 से और 1975 से 77 के बीच जो इमरजेंसी लगाई गई थी और जो उन्होंने एक तरह से तानाशाही दिखाई थी, उसके कारण आज भी उन्हें धिक्कारा जाता है। समझ रहे हैं, पूरी जितना आपने सही काम किया या नहीं, पूरा धूमिल हो चुका है। तो यही अभी भी समझ जाना चाहिए, मन की बात की छोड़िए, अब काम की बात कर लेनी चाहिए। समझ रहे हैं,
अब कई लोग बोल रहे हैं कि वो बिना रोजगार के नहीं रह सकती, वो देश के लिए तरक्की कर रहा है, कहाँ कर रहा है। अभी मैंने देखा एक रफेल खरीदने की बात की जा रही, खुशी मना रहे हैं उस पर। खुशी तो उस दिन हमें होगी जिस दिन रफेल से तगड़े विमान हमारे यहाँ बनाए जा रहे होंगे, हम लोग दूसरे देशों को बेच रहे होंगे, तब हम ध्यान देंगे, तब हमें खुशी होनी चाहिए। अभी आज जो हमें चारों तरफ से चीन, ए पाकिस्तान, नेपाल शब्द बोल रहे हैं, एक समय हम ऐसा होना चाहिए कि अन्य देश हमारी मदद के लिए सहयोग लें हमारा, हम एक ताकत, मतलब एक इतनी बड़ी ताकत बन जाए कि हर जगह हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ जाए हमें। अभी का अभी हम लोगों से दबे, उस दिन हमें खुशी होगी। ठीक है, और इतना कमजोर मत समझिए कि कोई भी सरकार रहे, देखिए हमारी सेनाएं इतनी कमजोर नहीं है कि वो किसी देश के दबाव में आ जाए, लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि हमारे देश के सैनिकों की और किसानों की और इस तरह के गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, नेताओं की जान की कीमत है। हमारे सैनिक मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं या कोई किसान मरता है या कोई भी स्टूडेंट मरता है, उसकी बात नहीं की जाती मीडिया में, एक दिन चलेगी दूसरे दिन भूल जाएंगे उसे। लेकिन कोई अगर नेता चल बसे या उसे कुछ भी बीमारी हो जाए तो दुनिया में फैल जाती है खबर। इतना ही कहूंगा नेताओं से कि भगवान से डरिए, ठीक है यहाँ तो आपकी पावर है, आपके पास पैसा है तो सब कुछ चला ले जा रहे हो, और वन अंधभक्तों से कहेंगे कि भगवान से डरिए, सही सही कहिए और गलत गलत कहिए। ठीक है, कड़वा होता है सच, लेकिन इतिहास में सच ही लिखा जाएगा, आपका झूठ या अंधभक्ति नहीं लिखी जाएगी। और ये अंधभक्ति किसी की गुलामी करने से आप 20 साल, 100 साल जी लोगे, 200 साल जी लोगे, क्या उखाड़ लिया तुमने। ये जो रोड पर खड़े हुए बच्चे या ट्वीट किया कर रहे हैं, ये वो हैं जो अपनी दम पर कुछ करना चाहते हैं, ना कि अपने माँ बाप की दम पर कुछ करना चाहते हैं। समझ में आया, इनमें कुछ कर गुजरने की है चाह। तो चलिए खैर जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप लोग करते रहिए टैग, जब विनोद वायरल हो सकता है और सरकार और मीडिया जा सकती है तो हमारी भी आवाज सुनी जाएगी कभी ना कभी। ठीक है, शिक्षक आपके साथ हैं, कोचिंग वाले हों या ना हो, लेकिन बाकी सब आपका साथ दे रहे हैं। कहीं भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, आप लोग विरोध करिए, जो भी होगा सब स्टूडेंट एक होकर आए, तभी मुझे लगता है कि सफल हो सकता है। आप देखते हैं कि इतिहास में भी यही हुआ कि जब हम लोग अलग अलग समाज में बटे हुए थे, फूट करो राजनीति, फूट करो आजादी करो, या जो भी आप समझते हैं, फूट डालो राज करो, समझ रहे हैं, तो उस समय फट कर करके आप हरा सकते हैं। एक कहानी भी तो सुनते हैं आप लोग, एक बाप के 5 बेटे थे, उन्हें एक एक लकड़ी दी तोड़ने के लिए, तो उन्होंने तोड़ दी, जब पूरा गट्ठर बांध के दिया तो किसी ने नहीं तोड़ पाया। मतलब एकता में ताकत होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, आपके बच्चे हैं अगर आपके, आपके वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आप विरोध करिए, तब भी आप लोग इस तरह की बातें करिए, क्योंकि कल उनका भी यहीं खड़ा हो जाएंगे, वो भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और एकता अगर दिखाते हैं तो हर सरकारें झुक जाएंगी। स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी और तुम्हारी ही है, स्टूडेंटों की, एक तरह से जिस उम्र में हम लोग चल रहे हैं, एक सरकार को छोड़िए हर सरकार को हम लोग गिरा सकते हैं। आगे चुनाव है, देख लेंगे, चलिए मान लीजिए 2024 में चुनाव है, उसे भी हम लोग देख लेंगे, जहां भी आपके यहाँ चुनाव है देख लेंगे सबको। ठीक है, आप हमारी ना सुनिए, लेकिन बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा, सुसाइड नहीं करना है, किसी को अवसाद में नहीं, यानी कि मानसिक तनाव में नहीं रहना है, आप अपने व्यवस्था अच्छे से करिए और अच्छे से रहिए, लड़िए। देखिए लड़ने कहते हैं ना कि वो याद उसी को रखा जाता है जो लड़ते हुए मारा जाता है, अपने आप से इस तरह के कदम नहीं उठाना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप विरोध करिए। किसी ने अच्छा कहा है, अभी देख रहा था किसने, कि अब रोज माँ बाप अपने बेटे की जेब देखें और चेक करें कहीं सल्फास यानी कि कोई इस तरह की दवा ना रखे हुए जिससे उसकी जान जा सकती है। बेरोजगार, आप समझ रहे हैं कि मतलब इतने डिप्रेशन यानी कि तनाव में चले जा रहे हैं युवा। अभी कोई वो धमकी भी दे रहा था कोई पुलिस वाला इन बच्चों को कि वो मैं केस कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग, अब नेता से वही कहना चाहिए हमें कि अब आप लोग भी आत्मनिर्भर बन जाओ, हम लोग बन चुके हैं, अब हम वोटिंग नहीं करेंगे,
अभी भी अगर मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव में, उपचुनाव है एमपी में, अगर इसमें भी अगर छात्रों ने या लोगों ने एक तरह से जागरूकता नहीं दिखाई तो हम एक तरह से बेवकूफ़ कहे जाएंगे, ठीक है। और फिर आप गुलामी झेलते रहिएगा, तानाशाही झेलते रहिएगा, और वही 1900 की पहले आप लोग स्थिति में चले जाइएगा, ठीक है। शिक्षक दिवस ये आपको गिफ्ट दिया गया है एमपी सरकार के द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में। जय हिंद जय भारत। भगवान से बस दुआ करिए कि भगवान ऐसे नेता लाए जो देश को भी आगे बढ़ा सकें और हमें भी आगे बढ़ा सकें।